हाय oh, बच्चों बच्चों, ये जो दर्पण या आईना है इसका उपयोग तो आप भी अपने घरों में करते हैं स्कूल जाते समय या बाहर जाते समय आप इस दर्पण में अपने आप को देखकर तैयार होकर बाहर निकलते हैं ये जो दर्पण का उपयोग हम अपने घरों में करते हैं ये समतल दर्पण है हम समतल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं क्योंकि इसमें हम वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि हम हैं क्या आप जानते हैं एक और प्रकार का भी दर्पण होता है गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण यानी यदि हम कांच का कोई खोखला गोला ले लें और उसे अनुप्रस्थ तल से काट दें तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे हम उसका भीतरी हिस्सा भी देख पाएंगे और बाहरी भी उसकी जो भीतरी सतह होती है वो अवतल की तरह कार्य करती है और जो ऊपरी सतह होती है वो उत्तल की तरह कार्य करती है यदि इनकी सतहों पर पॉलिश कर दी जाए तो वो परावर्तक हो जाएंगी और दर्पण की तरह व्यवहार करने लगेंगी तो जो भीतरी सतह है वो अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करती है और जो ऊपरी सतह है वो उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करती है इन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे हमारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसे जानने के लिए चलिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं देखिए ये है मेरे हाथ में स्टील का चमकदार करछुल ये तो आपके अपने घरों में भी होगा इसका उपयोग हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पे किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं इसको समझने के लिए करेंगे क्योंकि इसका ये जो बाहरी सतह आपको दिख रहा है ये उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है और ये जो भीतरी सतह दिख रही है ये अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करती है तो चलिए हम इसमें प्रतिबिंब देखेंगे आप तो देखो बच्चों ये जो करछुल की भीतरी सतह है ये अवतल दर्पण की तरह व्यवहार कर रही है और देखिए इसमें मेरा जो प्रतिबिंब है ये दिख रहा है उल्टा और बड़ा भी दिखाई दे रहा है चलिए अब बात करते हैं बाहरी सतह की ये देखिए यह किसकी तरह व्यवहार करेगा उत्तल दर्पण की तरह तो देखिए प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है सीधा है और छोटा है तो देखा बच्चों आपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमें किस प्रकार के प्रतिबिंब दिखाई देंगे चूंकि उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा दिखाई देता है इसलिए इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत सी जगहों पर होता है जैसे जो गाड़िया हम चलाते हैं उन गाड़ियों में जो साइड मिरर लगा होता है उसमें चालक यानी कि ड्राइवर पीछे से आने वाली गाड़ियों को देख सकता है वो जो मिरर यूज होता है वो जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण होता है बिल्कुल इसी प्रकार रास्तों में कई बार अंधे मोड़ आ जाते हैं अंधा मोड़ यानी जहाँ से दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियां हमें ना दिखाई दे वहा भी एक बड़ा सा मिरर आपने देखा होगा वो भी उत्तल दर्पण ही होता है बच्चों आपको एक बात बताऊं यदि आपको अपनी इमेज अपना प्रतिबिंब मजेदार तरीके से देखने हैं तो आप विज्ञान केंद्र जाएं वहां पे अलग अलग प्रकार के दर्पणों में आप अपने प्रतिबिंब को बड़े मजेदार तरीके से देख सकते हैं